नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यदि आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो और आपको एक बेस्ट फ्री थीम चाहिए तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री थीम का। ये बेसिकली हेस्टिया थीम हम यूज़ करेंगे और इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेंगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी, क्लीन सी, नीचे में आपके पेजेस रहेंगे, राइट साइड में आपका क्रेडिट रहेगा, फुटर क्रेडिट जो कॉपीराइट क्रेडिट होगा, ऊपर में मेनूज रहेंगी और बहुत ही सिंपल इधर लेफ्ट साइड में लोगो रहेगा लैपटॉप में। तो ऐसी सिंपल सी जो कस्टमाइजेशन आपको किस तरह से करना है हेस्टिया थीम में, वो आज मैं कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अपीयरेंस में आना है और थीम पे चले जाना है। तो दोस्तों देखिए, आपको सिंपल यहाँ पे देखिए ऐड न्यू में क्लिक करना है। हिस्टिया थीम मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि यदि कोई बिगनर होगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है हिस्टिया, ठीक है, HESTIA। तो जैसे आप सर्च करोगे इस तरह से ये थीम आएगी, यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद एक्टिवेट करना है। तो जो वर्डप्रेस यूज़र होंगे आपको पता ही होगा, कोई भी थीम या प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद उस हमें एक्टिवेट भी करना पड़ता है ताकि वो वर्किंग मोड में आ सके। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ उस थीम को। जैसे आपकी थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगी, आपको देखिए अपीयरेंस में फिर से एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज़ का। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज़ पर क्लिक कर देते हैं। डायरेक्टली आप इंस्टॉल होने के बाद कस्टमाइज़ बटन पर भी क्लिक कर सकते हो तो आप यहीं पर पहुँच जाओगे। सो सबसे पहले इसका एक बेसिक वर्ज़न मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप थीम इंस्टॉल करोगे तो एक जो है यहाँ पे बेसिक वर्ज़न थीम का रहेगा। तो होम पेज सेटिंग पे हम चलते हैं, यहाँ पे आपको होम पेज सेटिंग मिलेगा कस्टमाइज में। तो यहाँ पे देखिए योर लेटेस्ट पोस्ट ऐसा रहेगा और इस तरह से जो है आपके पोस्ट दिखाई देंगे। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ, अभी हम फिर से इसे शुरू से कस्टमाइज़ करेंगे। तो देखिए, ये एक सिंपल थीम होती है, जो कोई भी थीम आप अप्लाई करते हो तो आपके लेटेस्ट पोस्ट दिखाई देते हैं और राइट साइड में आपकी साइड बार दिखाई देती है, नीचे में जो है आपको पेजेस दिखाई देते हैं। अलग अलग थीम का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बेसिक थीम भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए, जो गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है इसमें भी आप अपनी इमेज लगा सकते हो यदि आप कोई इमेज लगाना चाहते हो तो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्टैटिक पेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक पेज पे यहाँ पे टिक लगा दिया। उसके बाद देखिए, अब आपको जो है होम पेज में कोई तो भी एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी और टर्म एंड कंडीशन का पेज बना के रखा होगा, तो ये पेज काम नहीं आएंगे, आपको एक नया पेज यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू पेज करते हैं और उसका नाम देते हैं होम और ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड होगा तो इसके जो है फीचर्स आपको दिखाई देना स्टार्ट होंगे। सो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए हमने नया पेज यहाँ पे बना लिया होम। दोस्तों देखिए, स्टैटिक पेज लगाने के बाद इस तरह से होम पेज आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे और भी सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, उन्हें आपको रिमूव कर देना है। क्या करना है देखिए, सबसे पहले ऊपर जो है आपको यहाँ पर मेनू बार रखनी है, इधर लोगो रखना है, उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन है उसे सिर्फ रख देना है। यहाँ पे आप कुछ अलग नाम रखना चाहते हो वो भी हम देखेंगे अभी। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पोस्ट 6 रखना है एंड नीचे में आपको जो है फुटर जो रहेगा उसमें एक एक्स्ट्रा मेनू बना के आपको जो पेजेस है वहाँ उसे ऐड कर देना है। तो चलिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप, और ये जो कॉपीराइट है उसे भी आप हटा सकते हो। तो सेम इस पर क्लिक करोगे तो वो सब हट जाएगा। तो लोगों से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और यदि आप यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो यहीं से भी मिल जाएगी। तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, प्रो फीचर को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको लोगो मिलेगा, सिंपल आपको यहाँ पर एक लोगो अपलोड कर देना है। देखिए ये सिलेक्ट इमेज है, ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट इमेज करोगे तो मीडिया लाइब्रेरी आएगी, यहाँ से आपको अपलोड पर आ जाना है। एक कोई भी अच्छा सा अपलोड करके जो है यहाँ पे लोगो अपना अपलोड कर देना है। उसके बाद साइट का टाइटल आप यदि देना चाहो, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिप्टो
क्रिप्टो टिप्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है, ठीक है। अब ठीक है, क्रिप्टो टिप्स, तो यहाँ पे देखिए यदि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आई थिंक डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ जो है आइकन ही जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यदि आप आइकन को रिमूव कर दोगे तो ये क्रिप्टो टिप्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस जगह पे। तो अभी हम नहीं करेंगे। कुछ टैगलाइन होगी आपकी तो यहाँ पे टैगलाइन में दे सकते हो। तो जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे टैगलाइन कोई दे देता हूँ, लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। मैं टैगलाइन दे देता हूँ यहाँ पे, सो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए साइट का जो लो जो आइकन है, देखिए ऊपर में जो ये आपको फेविकॉन दिखाई दे रहा है, ये आप कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से नीचे में यहाँ पे इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा 512x512 पिक्सल की, और यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, और वो जो इमेज रहेगी वो PNG इमेज रहेगी, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। तो ऐसी इमेज आप अपलोड करोगे तो बेहतर दिखाई देगी आपकी जो फेविकॉन है। और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे पब्लिश कर देना है। हम बैक चलते हैं, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपीयरेंस सेटिंग में चलते हैं। जनरल सेटिंग में सबसे पहले आपको आना है। अब दोस्तों देखिए पेज साइड बार लेआउट, यहाँ पे देखिए सिंपल सिंगल पेज आप ओपन करना चाहते हो तो इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो है लेफ्ट साइड में साइड बार आएगी, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और कोई भी एक पोस्ट यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, सो देखिए एक साइड में पोस्ट आई और एक साइड में यहाँ पे जो है साइड बार आई है, ठीक है। तो ये मैं आपको बेहतर समझाता हूँ यहाँ पे पब्लिश करके। तो ये हमारा पब्लिश हो चुका है, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार। रिफ्रेश हो जाने के बाद देखिए मैं एक पेज ओपन करता हूँ यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ बता रही है, एक साइड में कंटेंट और एक साइड में जो है आपकी साइड बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे हम चूज़ करके देखते हैं किस तरह से हमें दिखाई देता है, इसे हम पब्लिश कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे सेम वही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पेज साइड बार लेआउट है, तो मैं इसे सिंगल पेज में ही रहने देता हूँ, इसे यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ब्लॉक साइड बार लेआउट, तो ये बेसिकली जो है पेज लेवल पे था, ये अभी हम ब्लॉक के लिए देखेंगे। तो यदि हम इसे सिलेक्ट करते हैं ब्लॉक लेवल पे और यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, तो जो भी आपका ब्लॉग ओपन करेगा वो इस तरह से कम्प्लीटली सिंगल इसमें दिखाई देगा, कोई साइड बार नहीं दिखाई देगी। इसे हम रिफ्रेश करेंगे फिर से, तो देखिए आपको यहाँ पे फ़र्क जो है समझ में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हैशटैग की और भी अच्छी है कि यहाँ पे देखिए जो इमेज आप डालते हो, अभी मैंने यहाँ पे जो कंटेंट लिख रखा है, ठीक है, इमेज पे, इसलिए ये एक के ऊपर एक आ रहा है। लेकिन जब आप पोस्ट लिखोगे तो आप क्या करना, जो टाइटल है वो रहने देना, और यहाँ पे जो है एक कोई अट्रैक्टिव सी इमेज रखना, उसमें कुछ टेक्स्ट मत लिखना, बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा। तो देखिए एक सिंगल पेज में जो है आपकी सारी पोस्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, नीचे में रिलेटेड पोस्ट आएंगे, ठीक है। एंड अगेन सेम थिंग, फिर से हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये चूज़ करते हैं हम, पब्लिश कर देते हैं। देखिए ये ऊपर में ये पेज पेज टाइप पे है और ये जो है ब्लॉक्स टाइप पे है। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपकी साइड बार आ जाएंगी, और अगेन यहाँ पे राइट वाला चूज़ करते हो तो इस तरह से जो है राइट साइड में जो आपकी साइड बार आ जाएगी और कंटेंट लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम जो है सिंगल पेज वाला यहाँ पे चूज़ करते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिश। ओके, तो हमारे जो होम पेज में जो है साइड बार नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे पोस्ट में साइड बार दे देते हैं, यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं, इसे राइट साइड में अच्छी लगती है साइड बार, तो इसे हम चूज़ करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अनेबल शेयरिंग आइकन, तो शेयरिंग आइकन आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड नीचे आ जाते हैं हम। ये जो शेयरिंग आइकन है फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के, यदि आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ से अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक हटा दिया तो गायब हो गए, अभी फिर से लगाऊंगा तो यहाँ पे फिर से जो है सोशल आइकन्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनेबल स्क्रॉल टू टॉप, यदि मैं टिक करता हूँ तो जो ये स्क्रॉल टू टॉप वाली बटन है ये यहाँ पे आ जाएगी, तो इसे मैं टिक रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए डिसेबल फ्रंट पेज सेक्शन, इसे हम
क्लिक करके देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है। तो आई थिंक ये होम पेज पे कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए होंगे। ओके, तो देखिए मैंने डिसेबल होम पेज सेक्शन किया तो पूरा होम जो है यहाँ पे डिसेबल हो गया। यहाँ पे फिर से मैं अनेबल कर देता हूँ इसे। ओके, तो ये फिर से आ गया। तो यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ अगेन। ऑल राइट, हम पीछे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारी जनरल सेटिंग ख़त्म हो जाती है। अब हम टाइपोग्राफी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी मीन्स आपके जो टेक्स्ट जो स्टाइल है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए हेडिंग फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। आप एरियल, एरियल ब्लैक, बुकमार्क, कॉमिक, जॉर्जिया कोई भी जो है यहाँ पे फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं फैमिली में। उसके बाद बॉडी फॉन्ट टाइप यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो फॉन्ट साइज रख सकते हो। फास्टर लोडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उसे आप रखिए, क्योंकि जब फॉन्ट आप रखते हो तो कस्टम फॉन्ट जब आप रखते हो तो आपकी वेबसाइट लोड होती है तो फिर जो फॉन्ट लोड होने में भी समय लग जाता है, और कोई कोई ब्राउज़र में यदि फॉन्ट नहीं रहे तो फिर उसमें फिर अलग फॉन्ट शो करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ही रखें। फॉन्ट सबसेट भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट सबसेट है। उसके बाद देखिए फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ में देखिए आप टाइटल का फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हेडिंग का कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंटेंट का कम ज़्यादा कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक टाइटल सेक्शन, सेक्शन टाइटल, सेक्शन सब टाइटल, कंटेंट सभी के आप जो फॉन्ट साइजेस जो है चेंज कर सकते हो टाइपोग्राफी ऑप्शन में। अभी हम कलर्स की बात करते हैं। कलर्स में आपको देखिए यहाँ पे जब हमने अप्लाई की थी तो गुलाबी कलर दिखाई दे रहा था, जैसे कि होम पेज पे अभी भी शायद। अच्छा, मैंने जो है कस्टम होम पेज यहाँ पे लगाया है। यदि आप सिंपल सा होम पेज इसका लगाओगे तो यहाँ पर आपको गुलाबी कलर दिखाई देगा, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। उसको चेंज करना चाहते हो तो उसको भी चेंज कर सकते हो, और ये जो कलर है इसको भी चेंज कर सकते हो। कलर्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड इमेज। अभी बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊपर में एक इमेज शो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पे शो हो रही है, तो उसका कलर यदि आप चेंज करना चाहते हो या फिर बैकग्राउंड इमेज कोई रखना चाहते हो तो ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट करके आप रख सकते हो। बेसिकली जो बेसिक का वर्जन है इसका थीम का उसमें काम आएगा ये। उसके बाद बटन्स का भी आप जो है बॉर्डर रेडियस, पैडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, वही काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा अपीयरेंस का सेक्शन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम फ्रंट पेज सेक्शन पे आते हैं। तो देखिए फ्रंट पेज सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे डिसेबल मैंने करके रखा है। तो जब आप कस्टम पेज जब सिलेक्ट करते हो तो आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑन मिलती है। जैसे कि मैं अभी आपको क्विकली बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो जो काम की चीज़ें आपको लगेगी वो रखना है और बाकी की चीज़ जो है हटा देना है। तो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें लगा के जो है दिखा देता हूँ और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें रखना है और कौन सी चीज़ें जो है नहीं रखना है। तो मैं क्विकली यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अनेबल कर देता हूँ ताकि आपको जो है सब कुछ जो है पता चल सके। यहाँ पे जो है हम कॉन्टैक्ट को भी ऑन कर देते हैं। तो अभी देखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ऑन कर ली है। यहाँ पर देखिए क्रिप्टो, लर्न अबाउट, ये सारी चीज़ें आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पे ऊपर में आपकी इमेज भी आप चेंज कर सकते हो जो इमेज रखना चाहते हो। सिंपल यहाँ पे जो है इस सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ब्लॉक टाइटल सेक्शन में आप आओगे तो ये इमेज जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद सारे टेक्स्ट भी चेंज हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। नीचे में आते हो तो यहाँ पे देखिए ये जो है फीचर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो उसके फीचर आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा ये बैकग्राउंड की जो इमेज है वो ऑलरेडी वही रहेगी, अब आओ जो चेंज करोगे आप वही इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद टीम में आप देखिए, टीम में आप आपकी कोई टीम है तो उसके पर्सनस को ऐड कर सकते हो, उनके सोशल हैंडल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। न्यूज़लेटर में यहाँ पे देखिए ये जो रिबन है यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो ये इमेज आप चेंज कर सकते हो। सब्सक्राइब को न्यूज़लेटर वगैरह सारी चीज़ें आप रिबन में से कर सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ क्लाइंट्स हैं आपके अच्छे जिनको आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लाइंट्स भी लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल देखिए यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स आप लगा सकते हो। क्लाइंट एरिया सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये ब्लॉग का सेक्शन आ जाता है। देखिए सब्सक्राइब का सेक्शन ऊपर में है, न्यूज़लेटर वाला, ये वाला सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर। उसके ब्लॉग, ब्लॉग देखिए ब्लॉग में ये जो ब्लॉग सेक्शन आपका यहाँ पे, यदि आपको ब्लॉग है तो सिर्फ ब्लॉग ही आप रखिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए ब्लॉग सेक्शन में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने यहाँ पे पोस्ट दिखाने हैं, 9 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, अब लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन सब टाइटल आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो
तो सारी चीज़ जो है मैंने हटा दी है, मैंने सिर्फ आप ओके यहाँ पे देखिए नीचे में फिर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी है, गेट इन टच, जैसे कि जो एक कोई बड़ी वेबसाइट रहती है सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके कॉन्टैक्ट भी होता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है इसे मॉडिफाई कर सकते हो। कोई प्लगइन आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा भी, इन ऑर्डर टू ऐड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म दिस सेक्शन यू नीड टू इंस्टॉल WP फॉर्म्स लाइट प्लगइन। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म वाला सेक्शन आ जाएगा। तो इनको मैं क्विकली सभी को डिसेबल कर देता हूँ अभी, क्योंकि इनका मुझे कोई जो है काम नहीं है। ब्लॉक को रहने देंगे, हम इसे डिसेबल कर देंगे। तो देखिए सारी चीज़ें हमने डिसेबल कर दी, और ये जो कॉन्टैक्ट है इसे भी हम डिसेबल कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, हमने सारी चीज़ें हटा दी, यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक का सेक्शन रखा, और नीचे में ओके कॉन्टैक्ट का डिसेबल नहीं हुआ तो हम इसे डिसेबल कर देते हैं। तो ये हमारा डिसेबल हो गया, और सो यहाँ इतनी चीज़ें हम रखेंगे। तो यहाँ से आप फ्रंट पेज सेक्शन में से सारी चीज़ें जो है रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, और ये सब फंक्शन आपको कस्टम पेज आप रखते हो तभी दिखाई देंगे। उसके बाद हेडर ऑप्शन पे आते हैं, देखिए व्यू टॉप बार, सॉरी वेरी टॉप बार। तो यहाँ पे देखिए वेरी टॉप बार यदि आप अनटिक करते हो तो यहाँ पे एक टॉप बार दिखाई देगी, ओके ये वाली, तो इसे आप रखना चाहते हो, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो हम इसे डिसेबल करेंगे क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे भी आप पेजेस वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद देखिए नेविगेशन में आप आओगे, तो नेविगेशन आपको किस तरह से चाहिए, लेफ्ट साइड में लोगो और राइट साइड में आपकी मेनूज़ रहेगी, या फिर बीच में लोगो रहेगा उसके नीचे लोग आपकी मेनूज़ रहेंगी। देखिए अभी आपको प्रीव्यू भी दिखेगा इस तरह से, या फिर इस तरह से आप लगाना चाहते हो, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे ऐड लगाना चाहते हो कोई तो ऐड लगा सकते हो, और इस तरह से। तो हम सिंपल ही रखेंगे फर्स्ट वाला, ट्रांसपेरेंट नेवबार रखेंगे, और यहाँ पे कुछ सर्च बटन भी आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, तो आपकी जो है सर्च बटन इधर राइट साइड में आ जाएगी। तो सर्च बटन को हम हटा देते हैं और फिर से बैक चलते हैं। तो नेविगेशन से आप ये चीज़ें हटा सकते हो या फिर लगा सकते हो। उसके बाद हेडर में आते हो तो देखिए यहाँ पे पोस्ट पेजेस का हेडर किस तरह से दिखाई देगा, देखिए ये ओके इसे हम ऑल राइट ठीक है यहाँ पे आते हैं। ये हेडर देखिए जैसे आप पोस्ट ओपन करते हो तो हेडर किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखाई देता है। इमेज रहती है उसके ऊपर आपका ये जो टाइटल रहता है, और नीचे में पब्लिश बाय और ये आर्टिकल। तो आप इसे सपोज ऐसा रखना चाहते हो तो इस तरह से दिखाई देगा, अलग अलग फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे ये चूज़ करते हो आप तो ऐसे दिखेगा, या फिर ये चूज़ करते हो थर्ड नंबर का तो ऊपर में टाइटल दिखाई देगा, फिर इमेज दिखाई देगी और नीचे में आर्टिकल रहेगा। तो मैं ये फर्स्ट वाला ही चूज़ करता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कस्टम हेडर, आप कोई इमेज सेट करना चाहते हो तो यहाँ से इमेज सेट कर सकते हो, और कलर जो है अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है कलर का भी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये नीचे में बहुत सारे कलर्स आ गए, यहाँ से इसमें से जो है आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। हेडर सेटिंग में हम नीचे आ जाए तो ये हमारे सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे हो गए हेडर सेटिंग। उसके बाद फुटर ऑप्शंस, फुटर ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पे जो HTML का बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो इस तरह से आप कॉपीराइट और अपने जो वेबसाइट का नाम लिख दीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका कॉपीराइट आ जाएगा नीचे में, ठीक है ये राइट साइड में। तो हम फिर से यहाँ पे पीछे चलते हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, फुटर ऑप्शन में। उसके बाद ब्लॉक सेटिंग पे आप आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ब्लॉक से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए फीचर पोस्ट, और यहाँ पे देखिए डिसेबल सेक्शन में क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज दिखाई देगी। तो ये अभी क्योंकि हमने कस्टम पेज लगाया तो ये आपके काम का नहीं है, इसे जैसा है वैसे ही रहने देना है। इसके अलावा ब्लॉग लेआउट भी आपका कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टम पेज लगा रखा है, तो ये चीज़ें जो है आपको जो बेसिक लेआउट है उसमें काम आएगी। इसको लगाते हो तो इस तरह से आपके पोस्ट दिखाई देंगे, और इसको लगाते हो तो ऐसे एक के नीचे एक आपको पोस्ट दिखाई देंगी। उस पर देखिए डिसेबल ब्लॉग कैटेगरीज में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑल नन दिख रहा है, तो यदि आप ये जो कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे इसे हटाना चाहते हो तो नन नन सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे नन सेलेक्ट करोगे आपकी जो कैटेगरीज है यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद एक्सेप्ट मीन्स ये वाला जो इन द आर्टिकल यहाँ तक जो है ये दिख रहा है आपको, ये होता है एक्सेप्ट, तो इसे आप देखिए यहाँ पर रख सकते हो या फिर कंटेंट को दिखा सकते हो।
और इसकी लेंथ जो है 40 तक आपको रखना है, ठीक है। आप बड़ा घटा सकते हो। और पेजिनेशन ये आपको बेसिक लेआउट में काम आएगा, नंबर्स में आपको दिखाना चाहते हो या फिर इंफिनिट स्क्रोल, एक के नीचे एक पोस्ट आपकी आती जाएंगी, तो वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी नेक्स्ट मेनूज़ पे चलते हैं। देखिए मेनू में हमने दो मेनूज़ बना रखे हैं, ठीक है, आपको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले मेन मेनू में आपको क्या करना है, सारी जो आपकी कैटेगरीज रहेंगी उसे ऐड करना है। कहाँ से ऐड करोगे, इस तरह से ऐड आइटम करोगे। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पेज दिखाई देंगे और यहाँ पे कैटेगरीज दिखाई देंगे। तो इस कैटेगरीज को जैसे कि देखिए आप, ये जो रिसाइप्स इतनी आर्टिकल्स, ये आप ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से बना के भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हमें कोई कैटेगरी ऐड नहीं करनी है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी हमने ऐड कर रखी है। इसके अलावा आप कस्टम लिंक लगा सकते हो, होम पेजेस को भी आप लगा सकते हो, जो आपको मन करे वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मेन मेनू। और आपको यहाँ पे देखिए, फिर से मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, और एक कस्टम लिंक हमने बना रखी है जहाँ पे होम लगा के यहाँ पे अपना होम पेज का यूआरएल डाल दिया है ताकि यहाँ पे होम दिखाई दे सके। वैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आ जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है तो होम पे वो क्लिक करके होम पेज पे आ जाता है। और इसे आपको प्राइमरी मेनू टिक करना है और फिर इसे सेव कर देना है, ठीक है। अभी उसके बाद फिर से एक मेनू आपको क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू मेनू पे क्लिक करके इस तरह से मेनू का नेम आपको दे देना है, जैसे कि फुटर मेनू, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये देखिए फुटर मेनू। और आपको देखिए इसमें सभी पेजेस आपके ऐड कर देने हैं। कहाँ से करोगे, सिंपल यहाँ पे ऐड आइटम पे करोगे और पेजेस पे आप सिलेक्ट करोगे तो सारी पेज आपको ऐड का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे ऐड ऐड करोगे तो सारी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके आपको फुटर मेनू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तभी आपके जो ये जो पेजेस है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेजेस है ना नीचे वाले, ये आपको दिखाई देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए होम पेज भी लगा देते हैं नीचे में। तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ और फुटर मेनू में हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडिट मेनू पे हम क्लिक करते हैं और एक आइटम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे होम का। तो कस्टम लिंक ही हम रखेंगे और यहाँ पे होम लिख देता हूँ मैं। और सिंपल यहाँ पे आपको इस तरह से इस तरह से स्लैश लगा देना है और ऐड टू मेनू कर देना है, और इसे हम रखेंगे ऊपर में सबसे। तो देखिए अभी हम देखते हैं किस तरह से, देखिए ये जो है हमारी मेनू यहाँ पे अभी जो फुटर मेनू है कंप्लीट दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद पब्लिश कर दीजिएगा। हम पब्लिश कर देते हैं ताकि ये जो सेव हो जाए। ओके, तो मेनू आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था नीचे में, ये व्यू ऑल लोकेशन। तो ये आपकी मेनू की लोकेशन बताएगा, प्राइमरी कहाँ है, फुटर है, वेरी टॉप में क्या है। तो वेरी टॉप में भी आप पेजेस को लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको एक नई मेनू क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी मैंने अभी ऑलरेडी बताया। उसके बाद विजेट पे आते हैं। देखिए विजेट को क्विकली समझते हैं। यहाँ पे देखिए साइड बार में आपको सर्च कैटेगरीज रिसेंट पोस्ट, अभी कोई मैं पोस्ट ओपन करता हूँ जैसे कि ये वाली, सो यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए मैंने सर्च का जो बाय डिफॉल्ट था यहाँ पे लगा रखा है, आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज का लगा रखा है ताकि कैटेगरीज कोई देख सके, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरीज को डिस्प्ले ड्रॉप डाउन, सो पोस्ट काउंट अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो, और रिसेंट पोस्ट का हमने लगा रखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी आप मैनेज कर सकते हो, 5, 6, 7 जो भी आपको दिखाना है, या फिर 1, 2 जो भी है। यहाँ पे देखिए आप एड्स भी लगा सकते हो। ऐड कैसे लगाओ, ऐड विजिट पे जाओगे, कोई ऐड आपको लगाना है यहाँ पे तो कस्टमर एचटीएमएल पे आओगे, कस्टमर एचटीएमएल पे, और यहाँ पे जो कोड आप पेस्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास कोई ऐड नेटवर्क नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद देखिए फूटर वन, यहाँ पे देखिए मैंने फूटर सारे हटा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे में आप आते हो तो यहाँ पे फूटर में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, तो मैंने जो है फूटर सभी गायब कर रखे हैं यहाँ पे। तो आप फूटर में भी विजेट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको दिखाना है, ठीक है। ऐड विजेट पे जाओगे तो बहुत सारे इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इमेज वगैरह जो रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर से पीछे सेम उसी तरह फूटर टू में आप लगा सकते हो विजेट्स, और फूटर थ्री में भी आप जो है विजेट यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद भी यहाँ पे हो सकता है पता। उसके बाद देखिए होम पेज सेटिंग में आप आओगे तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेटेस्ट पोस्ट में करोगे तो बेसिक थीम और स्टैटिक पेज में जो है कस्टम थीम आपको दिखाई देगी। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। एडिशनल कोई CSS आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जो है एडिशनल CSS भी लगा सकते हो। और हेडर फुटर स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है आपको, हेडर में फुटर में कोई कोड लगाना है तो यहीं से आप लगा सकते हो। तो ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे हो गया। अभी देखिए प्रो फीचर में क्या दिया है, हेडर स्लाइडर, फुली कस्टमाइज कलर, जेट पैक पोर्टफोलियो, प्राइसिंग प्लान सेक्शन, सेक्शन रिकॉर्डिंग, क्वालिटी सपोर्ट। तो ये मुझे नहीं लगता आपको इसका कोई काम होगा यदि आप ब्लॉग चला रहे हो, तो फिर भी आपको काम है तो आप प्रो वर्जन इसका ले सकते हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें हिस्टिया के बारे में थी, ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में आप इस थीम के देखना चाहते किस तरह से दिखते हैं तो ये cryptocurrency.tips.xyz आप इस डोमेन पे आ सकते हो और देख सकते हो किस तरह से कस्टमाइज़ ये किया हुआ है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।